अलवर शहर में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलवर जिले के बसपा प्रत्याशी इमरान खान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उन्हें जगह जगह प्रचार के वक्त जनता का पूर्ण समर्थन व ताकत मिल रही है। पिछले 5 वर्षों में बीजेपी सरकार ने जिले में पानी की समस्या और बेरोजगारी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी नई बड़ी इकाई नहीं लग पाई। यदि इस ओर ध्यान दिया जाता तो युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें 36 बिरादरी का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के झूठे वादों को अब जनता जान चुकी है। जनता विकास चाहती और यह काम बसपा पार्टी करेगी। अपने आप को बहुत बड़े स्टार और चाणक्य कहते हैं, उनसे उनकी जो रणनीतियाँ हैं, उनकी जो दाव पेच हैं, उनसे बचने के लिए, लोगों से मिलने के लिए दिन रात भागना पड़ रहा है हर तरीके से। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों से मिल नहीं पाया, टाइम नहीं दे पाया। और आप लोग यहाँ आए सब हमारे बुलाने के, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी पत्रकार बंधुओं से, सारे समस्त मीडिया से मेरा अनुरोध है, मेरी गुजारिश है कि भाई हम आपका सहयोग चाहते हैं। माना हमारी पार्टी इतनी बड़ी नहीं है, हम इतने बड़े नहीं हैं, पर जनता का समर्थन, जनता का साथ, सब जो जनता है, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं सब हमारे साथ हैं, उनका समर्थन, जन समर्थन हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। पर भी थोड़ा ध्यान दें, हमारी बातों को भी कहीं ना कहीं पे दिखाएं, सच्चाई दिखाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे को कोई फैब्रिकेटेड न्यूज़ दिखाओ मेरी, या मेरे लिए कुछ आप बढ़ा चढ़ा के दिखाओ। मैं इनकी तरह नहीं हूँ, मैं तो सच्चाई और ईमानदारी के चलने वाला हूँ। और वो जनता से आपको दिख भी रहा होगा, लोगों का जो समर्थन है, लोग जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं रोज की रोज, तो आप थोड़ा सा अपना सहयोग हमारे साथ। मैं नहीं मानता आप कोई मेरे साथ कोई पक्षपात कर रहे हैं। हो सकता है मैं नहीं मिलाया, अपनी बातें आप तक नहीं बता पाया, हो सकता है कहीं ना कहीं मेरी ही कोई कमी हो। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो टाइम है, इसमें मुझे सभी के सहयोग की ज़रूरत है, आपकी भी, प्रशासन की भी, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन है, पुलिस, सब लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। क्योंकि ये इलेक्शन है, दोनों पार्टियाँ जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, एक सेंटर में है, एक स्टेट में है। अगर आप मानो मेरे को, तो पावर के हिसाब से, पावर के नज़रिए से इनके सामने तुम हल्का कैंडिडेट मान सकते हो, लेकिन जनता की जो ताकत, जनता का जो समर्थन, जनता की जो प्यार और जनता का जो ताकत और जनता की, वो मेरे साथ है, उसी से मैं यहाँ बैठा हूँ। और उसी जनता की ताकत को ध्यान में रखते हुए और अपने साथ उनकी ताकत को समझते हुए आपके सामने मैं आया हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप कोई भी बात है, कोई भी अपने से पूछ सकते हैं।